हेलो दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों को बहुत जल्द कायाकल्प होने वाला है। दोस्तों रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा प्रस्तावित मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों को न केवल सौंदर्यकरण किया जाएगा बल्कि उसे सभी आधुनिकतम सुविधाओं से भी सुसज्जित किया जाएगा। दोस्तों NDRS रीडेवलपमेंट स्कीम, जिसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं, के तहत परियोजना बनाकर तैयार है और रेल प्रशासन को सिर्फ दिल्ली शहरी कला आयोग, जिसे DURC कहते हैं, की ओर से इस परियोजना को ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। इसके बाद रेलवे मंत्रालय के इस परियोजना पर काम PPP के आधार पर किया जाना है। इसके अलावा दोस्तों निजी भागीदारी से स्टेशन परिसर के साथ ही इसके साथ लगती रेलवे भूमि को नए सिरे से विकसित किया जाएगा और इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है। दोस्तों फिलहाल इस परियोजना पर काम शुरू होने में सबसे बड़ा बाधा रेल भूमि विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान को दिल्ली शहरी कला आयोग की स्वीकृति न मिलने की वजह से था। इसके बाद DURC ने स्टेशन परिसर के बाहरी क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्यों को फिलहाल ग्रीन सिग्नल देने से इनकार किया है। दूसरी तरफ NDRC के पुनर्विकास में कई बड़ी कंपनियों ने दिलचस्पी भी दिखाई है। दोस्तों बता दें कि दिल्ली शहरी कला आयोग का कहना है कि RLDA की ओर से प्रस्तुत मास्टर प्लान केंद्रीय आवास व शहरी मामले के मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार नहीं है, इसलिए रेल मंत्रालय की ओर से केवल स्टेशन परिसर के पुनर्वास की मंजूरी दी गई है। तब कि इसको कैसे अमली जमा पहनाया जाए इस पर अभी भी बात चल रही है। दोस्तों अगर इनकी सुविधाओं के बारे में हम बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए जो मास्टर प्लान में शामिल कुल एरिया 120 हेक्टेयर है और लगभग 88 हेक्टेयर एरिया को पहले चरण में शामिल किया गया है। इसमें मास्टर प्लान के मुताबिक लगभग 12 लाख वर्ग मीटर में निर्माण किया जाएगा और रेल मंत्रालय और कर्मचारियों के लिए अगले से इसमें क्वार्टर भी बनाए जाएंगे और साथ ही स्टेशन तक पहुंचने के लिए एलिवेटेड सड़कें भी बनाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ मास्टर प्लान में NDRC एरिया में भरपूर पार्किंग सुविधा के साथ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए भी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। साथ में दिव्यांग जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए अनुकूल सुविधाएं भी यहाँ मुहैया कराई जाएंगी। और इसके साथ अगर मैं दोस्तों बताऊं कि NDRC स्टेशन के दोनों तरफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के साथ साथ पैदल यात्रियों के लिए अलग मार्ग और साइकिल ट्रैक और के लिए ग्रीन फील्ड अलग से बनाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों NDRS क्षेत्र में आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित दो गुंबद के आकार वाला स्टेशन बनेगा और गुंबदों की ऊंचाई जमीन से लगभग 80 मीटर और 7 मीटर बताई जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें लगभग 2.2 लाख वर्ग मीटर के फ्लोर स्पेस में दो अलग अलग आगमन और प्रस्थान क्षेत्र, सर्कुलेटिंग एरिया और रिटेल स्पेस और यात्री सुविधाओं को भी विकसित करने की सरकार की योजना है। इसके साथ साथ दोस्तों नवनिर्मित इमारत में लगभग 86 लिफ्ट और लगभग 70 स्वचालित सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों इसको मॉल की तरह सारी सुविधाएं इसमें सुसज्जित कराई जाएंगी जिनसे लोगों को हर चीज़ एक जगह पर रहने की सुविधाएं भी और खान पान के लिए सुविधाएं और चीज़ें खाने पीने की और बाकी सारी सुविधाएं जो रोज़मर्रा की जीवन में आती हैं उनसे इनको लैस किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की गिनती देश के सबसे व्यस्तम रेल स्टेशनों में होती है, जहां सिर्फ 24 घंटे देश के कोने कोने से सुपरफास्ट ट्रेनें आती हैं, जैसे वंदे भारत और शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनें। इसके साथ ही इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की नई डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर भविष्य में दो गुंबद ट्रैक के ऊपर बनेंगे और नए स्टेशन के भीतर बड़ा सा रूफ प्लाजा होगा और स्टेशन के भीतर 50 एकड़ जगह जो होगी वो उसके लिए तैयार की गई है और काम पूरा होने के बाद सारा ट्रैफिक एलिवेटेड रोड से होकर ही जाएगा और इसको अमलीजामा पहुंचाने के लिए काफ़ी अलग से तैयारी की जा रही है। इसमें दोस्तों फूड प्लाजा और पार्किंग की सुविधा अलग से दी जाएगी और आने जाने के लिए अलग अलग लेन बनाई जाएगी। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।